लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नहीं, आप किसी बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पदयात्रा करें, लोगों से इंटरेक्ट करें। मैंने अपनी नौकरी रिजाइन कर दिया, मेरी 90,000 सैलरी थी। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। देख रहे हैं आप 10,000 किलोमीटर वंदे भारत पदयात्रा, 21 राज्यों की पर्यावरण बचाओ राष्ट्र रक्षा यात्रा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे थे लाइव न्यूज। मैं अभी कच्चे दरगाह और फतवा के रोड पर हूँ और मेरे साथ जो महानुभाव हैं उनके देख रहे हैं आप 10,000 किलोमीटर वंदे भारत पद यात्रा, 21 राज्यों की पर्यावरण बचाओ राष्ट्र रक्षा यात्रा। ये देखिए कितनी अच्छी पहल है, ये 21 राज्यों की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं और 10,000 किलोमीटर पैदल चलना इतना नामुमकिन काम है, उस नामुमकिन काम को ये भाई साहब मुमकिन करने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। जी। मैं 4 दिसंबर 2022 को वंदे भारत पदयात्रा की शुरुआत करी जो राष्ट्र रक्षा राष्ट्र निर्माण को लेकर की जा रही है। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से समाज आज अंधा होता जा रहा है, उसको यही नहीं पता कि उसको जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आज कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करता चला जा रहा है। उसको बचाने के लिए सिर्फ मैं एक अवेयरनेस कैंपेनिंग चला रहा हूँ, उसको लेके कहीं ना कहीं मैं 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा हूँ। कारण ये 10,000 किलोमीटर पदयात्रा करने का, क्योंकि आपका भारतवर्ष छोटा नहीं है, आपके भारतवर्ष में 27 राज्य हैं और इतने बड़े राज्यों के अंदर अगर आप काम करते हैं तो छोटा नंबर नहीं ले सकते। और दूसरी चीज़, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जहाँ पे बहुत बड़ा फाइनेंस नहीं है। दूसरी चीज़, एक आपके पास कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। नहीं, आप किसी बड़े सेलिब्रिटी के बच्चे हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पदयात्रा करें, लोगों से इंटरेक्ट करें। और आपके जैसे लोग जब मुझसे मिलते हैं तो मेरी आवाज़ बनते हैं और मेरी आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुँचाते हैं। आज पूरी दुनिया का हमारे पास सबसे बड़ा यूथ पोटेंशियल है, उसके बावजूद भी नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। कारण क्या है कि हमारे पास में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं है। स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन न होने की वजह से इंडिपेंडेंसी नहीं है। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलूंगा, वहाँ के पर्यावरण मंत्री से मिलूंगा, हर जिले के माननीय जिला अधिकारी से मिलता हूँ और जितने भी समाज से भी हैं, पक्ष और विपक्ष के जो हमारे नेता हैं उनसे मिलता हूँ। दूसरा, टीचर्स, जितने मुझे लगता है कि टीचर्स सबसे बड़ा सोशल एक्टिविटीज होता है, क्योंकि वो ज्ञान को कहीं ना कहीं लोगों में सर्वाइव कर रहा है, जिसकी वजह से समाज को सुरक्षित करने का काम करते हैं। तो मैं टीचर्स से मिलता हूँ और उनके बच्चों से मिलता हूँ, उनको बताया जाता है कि बेटा सबसे पहले कुछ बचाना है तो अपनी रियलिस्टिक चीज़ें बचानी है जो नेचर है, क्योंकि अगर आपको 5 मिनट भी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ मिल गया आप जीवित रहेंगे। तो जीवन में आगे जाने के लिए आपको सही शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समाज में बदलाव आएगा और भारत की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। झंडा आप देश के प्रतीक दिखा रहे हैं, आप देश का प्रतीक दिखा रहे हैं, तिरंगा भारत का प्रतीक दिखा रहे हैं, आप कहाँ से हैं? मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ और हाँ, और अयोध्या से मैंने शुरू करी है यात्रा, 17 साल चल चुका। आपने बोला कि 21 राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलेंगे, क्या बिहार के मुख्यमंत्री से मिले आप? नीतीश कुमार जी से नहीं मिले हैं, डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई हमारी। क्या बोला आपको, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिया कि आप हमारे राज्य में हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली करके इनका अपना खुद का एक प्रोग्राम चल रहा है, उन्होंने कहा इसकी बारे में बात करिए और लोगों को अवेयर करिए और अच्छा काम कर रहे हैं, आश्वासन दिया। बाकी तेज प्रताप यादव जी से मुलाकात हुई माननीय पर्यावरण मंत्री जी से, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने भी सेम चीज़ कहीं ना कहीं बोली और उन्होंने बोला कि मैं इसको अपने ट्विटर अकाउंट से इसकी आवाज़ उठाऊंगा। और जो आपका पहल ये आपका दूसरा राज्य है? ये मेरा दूसरा राज्य है। दूसरा राज्य कितने किलोमीटर तय कर चुके हैं? 1700 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ, जिसमें मैं यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आऊँगा, इतने राज्यों में जाऊँगा। फिलहाल मेरा दूसरा राज्य चल रहा है और अभी मैं 1700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका हूँ। 1700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है, क्या टाइमिंग होता है आपका पूरा करने का? 2 साल लग जाएंगे। दो साल लग जाएंगे। अभी 2 साल पैदल चलेंगे? 2 साल पैदल चलूंगा। ये आप जब पैदल चलते हैं तो किस टाइम से? सुबह 7:30 बजे के आसपास मेरी यात्रा शुरू होती है और शाम को 6:30-7 बजे के आसपास मैं अपनी यात्रा को समाप्त कर देता हूँ, खुद की सुरक्षा, स्वयं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप ऐसे स्टेट में हैं या कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, तो खुद की, हाँ, खुद की स्वयं सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं खुद को सुरक्षित करना मेरा पहला कर्तव्य है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तभी समाज को कहीं ना कहीं कुछ दे पाएंगे। जी, अगर आप किसी जैसे दिन में भी आप सुरक्षित की बात करते हैं तो दिन में भी अगर कहीं पहाड़ी इलाका में जाते हैं या सुनसान रास्ते में जाते हैं, ऐसा रास्ता मिलता होगा आपको, तो उस रास्ते को कैसे आप पार करते हैं? कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को आसानी से कर लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव कमेंट होते हैं, जब मुझे लगता है कोई मुझसे नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना बात करूँ, क्योंकि आप जैसे अपना मुंह खोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो टाइम टेकिंग चीज़ें हो जाती है। तो
बचते हुए आप निकलो, क्योंकि समाज को बचाने का काम कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप समाज को जब बचाने का काम करते हैं तो चीज़ें ऊपर वाला भी है जो वक्त के साथ चीज़ों को बदलने लगता है। यही है कि अभी ऐसी कोई परेशानी फिलहाल नहीं आई है, बस यही है कि मुझे जो लगता है कि समाज में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है और उसका कारण कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव था, तो वो चीज़ लेके अब बिहार में भी। रात में आप होल्ड कैसे करते हैं? मैं होटल्स में रुक जाता हूँ, कोई मंदिर मिल गई, कोई आश्रम मिल गया, कोई घर मिल गया, जो सम्मानित व्यक्ति तो होते हैं उनके घर पे मैं रुकता हूँ। कारण है कि आपको अपनी सेफ दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं काम करना है, तो वहाँ पे मैं रुकता हूँ। और 10,000 वृक्षारोपण फिलहाल मैं कर रहा हूँ स्कूलों के अंदर, स्कूल के अंदर वृक्षारोपण करते हुए हर जिले से निकलता हूँ। अच्छा, ये रास्ते में वृक्षारोपण करते हुए निकलते हैं? जी, मैं 10,000 वृक्षारोपण स्वयं से कर रहा हूँ। चलिए, आप ये बैग है, हम बैग पर डिस्क्राइब, आप कुछ किताब भी रखे हुए हैं? जी, किताब है आपका, डायरी है ये, डायरी के अलावा कुछ बुक वगैरह है, तो रास्ते में ये बुक को क्या करते हैं, इस बैग में आपका क्या क्या है? क्योंकि आप अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बोलेंगे क्या। दूसरी चीज़ है कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो एसेट्स है वो है ज्ञान, और ज्ञान को अब 10,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जैसा आशुतोष जा रहा है, अगर वैसे ही आशुतोष वापस आता है तो फिर समाज को क्या बदलेगा। उसके लिए आपको पढ़ना होता है, आपको बताना होता है, आपको बच्चों के लिए सेमिनार्स करने होते हैं। फिलहाल इस टाइम मैं भगवद गीता भी पढ़ रहा हूँ, और भगवद गीता पढ़ने का कारण है कि वो कोई बुक नहीं है, एक शस्त्र है। मुझे लगता है कि सभी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आपके पास लड़ने की ताकत पैदा करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसके साथ इन्वायरमेंट की कुछ बुकें पढ़ता हूँ, और हिस्ट्री जियोग्राफी को कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए काम कर रहा हूँ, जियोग्राफिकल चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों पे फिलहाल मैं काम कर रहा हूँ, और आपको पढ़ते रहना चाहिए। आज जो हमारी स्टडी है, जो हम बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम इसी चीज़ की तो है कि वो पढ़ते हैं कंडीशनल, उनको नौकरी मिल गई, नौकरी पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, नौकरी मिल गई, उनका एंड गोल पूरा हो गया, फिर पढ़ना बंद कर देंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि भैया इसके लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है अपने व्यक्तित्व को चेंज करने के लिए, समाज को चेंज करने के लिए, समाज की दृष्टिकोण को चेंज करने के लिए। आप नौकरी मांगने के लिए अगर पढ़ाई करेंगे तो एक वक्त बाद आपका मोटिवेशन कम हो जाएगा, नौकरी नहीं मिली तो। और अगर आप सिर्फ लर्निंग के लिए काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे, मोटिवेशन कहीं ना कहीं कम होगा। और जब समाज को बदलने के लिए काम करते हैं, और जब आप उसमें पाते जाते हैं तो पूरी ज़िंदगी आप पढ़ते रहते हैं, आपका मोटिवेशन कम नहीं होता। आप एक बात करते हैं 10,000 किलोमीटर दूरी तय करना, आप इसके लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से कैसे काम करते हैं? क्योंकि रास्ते में तो आपको प्रॉपर घर का खाना मिलेगा नहीं, तो आप कैसे मेकअप करते हैं अपने हेल्थ को? देखो, ठंडी थी तो कुछ भी खा लिया आपने, बट गर्मी के अंदर मैं ज़्यादा लिक्विड लेता हूँ, मैं खाने पर कम डिपेंड करता हूँ, मैं लिक्विड ज़्यादा लेता हूँ, जूस लेता हूँ, उसके साथ पानी लेता हूँ ज़्यादा, और बहुत लाइट वेट खाना लेता हूँ। शाम के टाइम मैं अगर कुछ भी खाया तो शाम को खाता हूँ, दिन में बहुत कम खाता हूँ मैं। तो इस तरीके का मेरा रहता है, रूटीन मैंने अपने आप को बना रखा है। आर्थिक सहयोग कहाँ से मिलता है? मैंने अपनी नौकरी रिजाइन करी है, मेरी 90,000 सैलरी थी। आपकी 90,000 की सैलरी थी? क्या बात करते हैं, इनकी सैलरी 90,000 की थी, और आप सोच सकते हैं ये सरप्राइज दे दिए मुझे बीच में, मैं पहले संजोग से क्वेश्चन नहीं कर पाया। ये 90,000 की नौकरी छोड़ करके देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, समाज हित के लिए, व्यक्ति हित के लिए ये रोड पर उतर चुके हैं, और 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करना। यहाँ तो 5,000-10,000 के जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वो तो कभी अपने समाज के लिए 2 रुपया डोनेट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन ये व्यक्ति 90,000 के सैलरी छोड़ करके अभी रोड पर आ गए हैं। रोड पर आने का मतलब है कि समाज सेवा के लिए, पर्यावरण को सुधार के लिए, इन्होंने लोगों को मोटिवेट करने के लिए 10,000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। 90,000 की नौकरी, क्या करते थे आप? मैं पिछले 7 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, और उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं मेरे मन में कहीं ना कहीं विचार आया। और जब आप शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं तो आप समाज को अपने दृष्टि से देखते हैं, और जिस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही होती है उसी पर आप विचार कर रहे होते हैं। वो मेरे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव बोल सकते हैं कि जब मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो अवेयरनेस आना शुरू हुई। और एजुकेशन इंडस्ट्री में जितने भी कॉम्पिटेटिव सेगमेंट्स होते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, वनडे एग्जामिनेशन हो, सिविल सर्विसेज हो, सारे सेगमेंट को बेसिकली हम लोग दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीड किया करते थे, काम किया करते थे। और 7 साल का मेरा करियर हो चुका था, और उसके साथ साथ मैं काम करते करते मुझे लगा कि पैसा आपके लाइफ में 5% इम्पॉर्टेंट प्ले है करता है, और किसी की लाइफ में अगर आप वैल्यू ऐड कर पाए तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो उस वैल्यू को ऐड करने के लिए फिलहाल मैंने अपनी नौकरी। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं कोई ऐसी कोई आपके लाइफ में कोई घटना घट गई क्या कि आप इसके लिए आप नहीं? आज तो आपको अवेयर होने की जरूरत है भाई, 2020 में चले जाइए ना, घटने की बात कर रहे हैं तो करोड़ लोग मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन मिली नहीं पाई थी, ऐसी स्थिति हुई कि पानी की तरह ऑक्सीजन पैक करके बेचा गया 2050 तक। तो जो बेच रहा होगा वो तो जिंदा रहेगा, जो खरीद रहा होगा सर वो मर जाएगा। आज भारत के अंदर 130 करोड़ लोग हैं जिसमें 55% यूथ पोटेंशियल है, दिन भर नाच रहा सोशल मीडिया पे, उसको पता ही नहीं है कि अपने कितने कीमती समय को सिर्फ नाच के बर्बाद कर दे रहा है। 5% बच्चे वायरल हो गए, 55% लोग केवल नाचे जा रहे हैं आज,
उनको पता ही नहीं है कि उसके बाद भी जीवन में उनका कोई काम है। वो जीवित हैं तब नाच पा रहे हैं, वो आज़ाद भारत जैसे आज़ाद देश में रहने इसलिए नाच पा रहे हैं। 1969 की कहानी बताता हूँ, भारत के अंदर भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत में भुखमरी थी। 1969 के अंदर इंदिरा गांधी जी पहुँचती है अमेरिका और बोलती हैं कि भैया हमारे देश लोग मर रहे हैं, हमें दीजिए कुछ खिलाने के लिए। तो वो बाहर बैठी रहती हैं और व्हाइट हाउस से उनको बुलाया नहीं जाता। जब शाम को गुस्से में वहाँ से आने लगती हैं तब उनको व्हाइट हाउस से बुलाया जाता है, बोले इंदिरा जी क्यों गुस्सा है? तो बोले कि आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरे देश के लोग मर रहे हैं। वो बोलते कि आप बोट पे सारी की सारे राशन रखे आप लेके जाइए। जब उसको लाया जाता है भारत के अंदर तो सड़े गेहूँ भेजे गए थे सर, उसको लाके सुअर को खिलाने वाले वही लाके खिलाना पड़ा इनको, मजबूरी थी। और आज जिस देश में आप रह रहे हैं उस देश में सबसे ज्यादा खाना फेंका जाने वाला देश बन चुका है। जब उस टाइम प्रायोरिटी क्या हुआ करती थी, केवल दो टाइम पेट भरना, इससे ज्यादा इंडियन सोच नहीं पाते थे। आज आप उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा खाना फेंका जा रहा है, तो कम से कम आज तो इन्वेंशन की तरफ चलो। उस टाइम लोग नौकरी इसलिए करते थे कारण तक उनको दो टाइम सिर्फ पेट भरना था, इससे ज्यादा सोच नहीं पाए। आज आप सबसे ज्यादा खाना फेंक रहे हैं, इतनी बड़ी यूथ पोटेंशियल लेके बैठे हैं, 55% का यूथ आपके पास में है, उसके बाद दिन भर नाच रहा है वो, तो ये सोचने का टाइम है यार। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी पीसीएम से 2017 में, उसके बाद मेरी जो भी एजुकेशन हुई है मैं प्रैक्टिकल एजुकेशन मैंने गेन करी है। क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अच्छा, पीसीएम था। हाँ, पीसीएम से। चलिए ठीक है, किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति का प्रोत्साहन आपको मिला है, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी या कोई बड़े आदमी को आपके ऊपर प्रोत्साहन मिला है कुछ? अभी तो फिलहाल नहीं मिला, लेकिन हाँ छोटे व्यक्ति का बहुत मिला है। छोटे व्यक्ति का मुझे लगता है कि वही मुझे प्यार करें, क्योंकि मैं उनके लिए ही लड़ रहा हूँ, उनकी आवाज़ मांग रहा हूँ। और भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लास्ट मोटिव क्या है आपको? इसी के लिए काम करना है, इसी के लिए काम करना है पूरी जिंदगी। आप मैरिड है या अनमैरिड? अनमैरिड, और शादी भी फिलहाल भविष्य में कब करूंगा मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? क्योंकि समाज को सुधार, जब तक समाज को लेके काम नहीं करूंगा, समाज की मानसिकता को चेंज करना मेरा काम है। तो मैं एक चर्चा कर लेते हैं, बैग में आप क्या क्या रख कर चल रहे? मेरी बैग में सिर्फ मेरे कपड़े होते हैं, मेरी बुके होती हैं, क्योंकि कपड़े और बुक की जरूरत है, बाकी ड्राई फ्रूट कुछ भी नहीं है, खाने पीने कोई सामान नहीं, खाने पीने कुछ नहीं, सिर्फ कपड़े और बुक वही है। 30 क्या नाम बताया आपने? आशुतोष पांडे। आशुतोष पांडे, तो ये हैं आशुतोष पांडे जो 17,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, सॉरी 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, पूरे भारत में 21 राज्यों को दौरा करेंगे और उस राज्य के सभी मुख्यमंत्री से, पर्यावरण मंत्री से मिलेंगे, 90,000 की सैलरी को, नौकरी को रिजाइन मार करके। ये बहुत बड़ी बात है, समाज के लिए 90,000 की नौकरी को रिजाइन मार कर आशुतोष पांडे यूपी के अयोध्या से चलते हैं, और ये अभी बिहार दूसरा राज्य है, यहाँ के डिप्टी सीएम और तेजप्रताप यादव से मिल चुके हैं, और इसके बाद ये शायद झारखंड में प्रवेश करेंगे, इसके बाद शायद वेस्ट बंगाल में प्रवेश करेंगे, और ऐसे प्रवेश करते करते पूरे भारत के कई राज्य को दौरा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं इनके साथ, मेरी शुभकामनाएं हैं मेरे चैनल की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के काम को पहल देते हैं। एक युवा है कि ऐसा युवा जिस देश में, एक युवा ऐसे भी हैं जो देश छोड़ करके दूसरे देश में जा करके अपने वहाँ की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तकरीबन 1.5 लाख लोग बिहार से ही, 1.5 लाख लोग बिहार से आज के 1.5 लाख लोग बिहार के वोटर लिस्ट से आज आउट हो गए हैं, जो दूसरे राज्य या दूसरे देश में जाकर के वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिए। लेकिन एक आशुतोष पांडे ऐसे हैं जो 90,000 की नौकरी छोड़ करके देश के, समाज को, स्थिति को, दशा को, दिशा को सुधारने के काम कर रहे हैं। मैं शंभु कुमार कर्मा, मैं राजेश के साथ, द लाइव न्यूज पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।